नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ वन वे स्लैब। वन वे स्लैब क्या रहता है और टू वे स्लैब क्या रहता है। वन वे स्लैब की जो बेंडिंग डायरेक्शन रहती है वो वन साइड रहती है, और जो टू वे स्लैब है उसका जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो टू डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में रहता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो उसका हमें रेशो फाइंड करना पड़ता है। तो लेंथ ऑफ y axis divided by length of x axis is greater than 2, then we can say that slab is one way slab. If the length of y axis divided by length of x axis is less than 2, then it is called two way slab. तो हमने यहाँ अजूम किया है 3 by 6.2 मीटर का स्पैन है। तो 6.2 divided by 3, 2.067 is greater than 2, then it is called as one way slab. Second step क्या रहती है, तो हम एक depth consider करते हैं, वो किसके हिसाब से करते हैं, IS 456-2000 के हिसाब से हम depth calculate करते हैं। उसका formula है D = span / BV × MF। BV क्या रहता है, basic value रहती है, और MF क्या रहता है, modification factor। वो किसके ऊपर depend रहता है, वो दिया है IS code 456-2000 क्लॉज नंबर 23.2.1 में वो मेंशन किया है। तो D = span shorter length divided by 20 क्या है, बेसिक वैल्यू है, और 1.5 क्या है, तो MF मॉडिफिकेशन फैक्टर है। वो मॉडिफिकेशन फैक्टर और बेसिक वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहती है, तो वो सपोर्ट के हिसाब से डिपेंड रहती है। सिंपली सपोर्टेड कैंटिलेवर इसके हिसाब से कंटिन्यूस स्लैब रहेगा, तो इसके हिसाब से वो मॉडिफिकेशन फैक्टर और बीवी डिपेंड रहती है। तो हम इधर क्या है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब कंसीडर किया है, तो उसका बेसिक वैल्यू क्या है, 20, और मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने लिया है 1.5। तो डेप्थ कितना आया, 100 mm। तो टोटल डेप्थ क्या रहती है, डी प्लस कवर प्लस डाया, तो टोटल डेप्थ हमने लिया है 150 mm। तो थर्ड स्टेप्स क्या है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब। तो इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब कैसे निकालते हैं, वो भी मेंशन किया है 456-2000 क्लॉज नंबर 22.2 में। देर आर टू केसेस टेक इट इज मिनिमम वैल्यू, दो केसेस रहते हैं उसमें। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फर्स्ट में क्या रहता है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, इधर दिया है इफेक्टिव डेप्थ 125, और दूसरा केस क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पैन प्लस उसका सपोर्ट रहता है। तो इधर इफेक्टिव स्पैन कितना है, इफेक्टिव स्पैन कितना है 3 मीटर, प्लस सपोर्ट कितना है 300 का, तो हाफ उसका 150 + 150, तो उसका लेंथ कितना है 3.30, और इसका कितना है 3.125। टेक इट इज मिनिमम वैल्यू, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो हम इफेक्टिव स्पैन लेते हैं। तो इधर 3.125 इफेक्टिव स्पैन है। तो थर्ड स्टेप में क्या है, लोड कैलकुलेशन। वो हमारे जो स्लैब रहता है उसमें लोड कितने आते हैं, तो थ्री टाइप के लोड आते हैं, लाइव लोड रहता है, डेड लोड रहता है, फ्लोर फिनिश लोड लेता है लोड रहता है। लाइव लोड हमारी जो बिल्डिंग रहती है उसके हिसाब से रहता है। कमर्शियल बिल्डिंग में अलग लेते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अलग रहते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली वी कंसिडर द 3 kN/m³, और डेड लोड जो रहता है वो कॉन्क्रीट का लोड, हमारा जो डेड लोड रहता है वो लेते हैं, और फ्लोर फिनिश लोड जो रहता है वो भी हम कंसिडर करते हैं। और तीनों मिला के एक हमारा एक टोटल लोड रहता है। टोटल लोड जो रहेगा वो लाइव लोड प्लस डेड लोड प्लस फ्लोर फिनिश लोड रहेगा, तो टोटल लोड आएगा, और उसमें से हम क्या करते हैं, फैक्टर लोड लेते हैं। तो टोटल अल्टीमेट लोड क्या रहता है, टोटल लोड इनटू फैक्टर करते हैं उसको सेफ्टी फैक्टर के लिए। तो हमारा इधर आया है 9.25 kN/m². तो चौथी स्टेप क्या है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा लोड पता है हमें 9.25 kN/m, तो मोमेंट कैलकुलेशन करते समय वी नीड द टोटल लोड, टोटल अल्टीमेट लोड। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, WL² / 8, क्योंकि हमें क्या किया है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो है हमें अज्यूम किया है।
तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। एल क्या है तो इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितना आता है 3.125, तो 9.25 इंटू 3.125 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो हमें मोमेंट कितना आया तो 16.93 किलो न्यूटन मीटर, तो मोमेंट पता चला। तो फिफ्थ स्टेप क्या रहती है, हमें डेप्थ जो हमें प्रोवाइड किया है वो सही है या गलत है, हमें डेप्थ चेक करना पड़ता है। तो किसके हिसाब से करते हैं, तो मोमेंट के हिसाब से हम डेप्थ चेक करते हैं। तो मोमेंट इज इक्वल टू, वो IS 456-2000 में ये फार्मूला दिया है, मोमेंट इज इक्वल टू 0.36 FCK इंटू यू मैक्स इंटू बी इंटू ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। तो FCK क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहता है, और यू मैक्स क्या है, यू मैक्स डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, हमारा जो हम जो कॉन्क्रीट में ग्रेड यूज करेंगे उसके हिसाब से यू मैक्स लेते हैं, और बी क्या रहता है तो विड्थ रहता है, और डी क्या है डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो हमें जो ग्रेड लिया है वो इसका हिसाब से यू मैक्स है, यू मैक्स इज इक्वल टू 0.48 डी। तो मोमेंट हमें इधर से मिल जाएगा, मोमेंट है हमारे पास 16.93 कैलकुलेट किया है, हमें जितना मोमेंट आता है वो क्या है 16.93 किलो न्यूटन मीटर। तो इधर वो सभी वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। इतना मोमेंट रजिस्टर करने के लिए हमें कितना डेप्थ लगेगा तो है 78 mm, लेकिन हमने प्रोवाइड कितना किया है, वो प्रोवाइड किया है इधर 125 mm, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ में है, तो डेप्थ चेक ओके है। तो सिक्स स्टेप क्या है, जो हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं उसमें स्टील डालते हैं, स्टील क्यों डालते हैं तो टेंसाइल जो हमें फोर्स आता है वो रजिस्ट करने के लिए स्टील का काम रहता है, और जो कंप्रेसिव फोर्स आता है वो उसके रजिस्ट करने के लिए कंक्रीट का काम रहता है, तो हमें स्टील कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो स्टील कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं, वो IS कोड में फॉर्मूला दिया है। तो मेन स्टील कैलकुलेशन है, AST इज इक्वल टू 0.5 FCK डिवाइडेड बाय FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 m डिवाइडेड बाय FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू टोटल ब्रैकेट इंटू BD। तो FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो जो कंक्रीट का ग्रेड है वो है FCK, और जो स्टील का ग्रेड है वो है FY। हम कौन से स्टील का ग्रेड यूज़ करेंगे, 456 500, वो है स्टील का ग्रेड। तो m क्या है, हमारा जो मोमेंट आया था वो है बेंडिंग मोमेंट, एंड b क्या है विड्थ ऑफ द स्लैब, d क्या है डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो इधर सभी वैल्यू डालेंगे तो हमें AST mm स्क्वायर में एरिया उसका आ जाएगा, तो mm स्क्वायर में एरिया मिलेगा। तो हम स्पेसिंग कैसे करेंगे, दोनों बार का बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए वो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड इनटू 1000। तो ये हमें 10 mm का बार यूज़ करना है, तो 10 mm पाई बाय 4 इनटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया कितना आया टोटल 402.16 mm स्क्वायर इनटू 1000, तो हमें पेसिंग मिल जाएगा 195 एज पर IS 456-2000 क्लॉज नंबर 26.3.3 पेसिंग शुड नॉट मोर देन। तो कितना पेसिंग चाहिए हमें, हमारा जो आया वो 195 mm आया, तो क्लॉज के हिसाब से कितना चाहिए 3D मतलब क्या है डेप्थ ऑफ स्लैब, तो 3 × 1 0.125 कितना आएगा 450 mm। और सेकंड केस में क्या है, मिनिमम 300 mm तो चाहिए, जब हमारा इधर 400 आएगा तो हमें मिनिमम कितना लेना चाहिए 300 mm लेना चाहिए, तो हमारा 195 आया इधर सेटिस्फाइड है, वो 300 के नीचे है और 450 के नीचे है, तो हम पेसिंग कितना लेंगे 195, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट, तो हमारा पेसिंग जो है 195 आ गया। तो हमारा टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना है 402.16, लेकिन हमें
मिनिमम कितना चाहिए वो स्लैब में जो हम स्टील डालेंगे वो मिनिमम कितना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है ए एस टी मिनिमम इज इक्वल टू 0.85 बी डी इंटू डिवाइडेड बाय एफ वाई, वो आया 256, लेकिन हमने कितना प्रोवाइड किया है 402.16, तो उससे 256 से ज़्यादा प्रोवाइड किया है, तो हमारा जो है वो सेफ में है। तो और मैक्सिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए 0.04 बी इंटू डी, वो आया 6000 mm², तो मैक्सिमम उतना चाहिए मिनिमम इतना चाहिए, तो हमारा उसमें 402 बीच में आ रहा है, तो हमारा जो एरिया प्रोवाइड किया है स्टील का वो शेप में है। तो 7 नंबर की स्टेप क्या है, डिफ्लेक्शन चेक करना पड़ता है। तो डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आईएस कोड में क्लॉज नंबर आईएस कोड 456/2000 पेज नंबर 37-38 क्लॉज नंबर 22.2.1 में एक फॉर्मूला दिया है, वो परसेंटेज ऑफ स्टील टेबल में परसेंटेज ऑफ स्टील और मॉडिफिकेशन फैक्टर दिया है, वो ये पे हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर इस टेबल से मिल जाता है। तो डी इज इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाय 20 इंटू एम एफ, 20 क्या है बेसिक वैल्यू है, तो एम एफ क्या है, तो हमारा जो एफ एस मालूम रहता है 120-240 कि इसके हिसाब से हम क्या करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर इधर से लेते हैं, तो इधर कितना मॉडिफिकेशन फैक्टर आया है, तो 1.7 मॉडिफिकेशन फैक्टर आया है, तो इसके हिसाब से डी कितना है आया है 88.23, लेकिन हमने कितना किया प्रोवाइड किया है 0.125 मीटर हमें डी प्रोवाइड किया है, इसलिए डिफ्लेक्शन चेक ओके है। स्टेप नंबर 8 क्या है, चेक फॉर शेयर चेक करना, शेयर का जो चेक है वो करना पड़ता है, तो शेयर का चेक करने के लिए शेयर फोर्स का एक फॉर्मूला है 1.5 WL डिवाइडेड बाय 2, तो WL डिवाइडेड बाय 2 1.5 क्या है सेफ्टी फैक्टर है, तो ये फॉर्मूले में डालना पड़ता है। लास्ट में क्या है, टाउ वी इज लेस देन के इंटू टाउ सी चाहिए, वो लेस देन रहेगा तो शेयर का चेक है ओके है, इफ द टाउ वी इज ग्रेटर देन के इंटू टाउ सी देन वी प्रोवाइडेड द, उधर क्या करना पड़ता है शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है एक्स्ट्रा। स्टेप नंबर 9 क्या है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट का लेंथ का चेक कैसे लेते हैं, एम डिवाइडेड बाय वी प्लस एल जीरो इज ग्रेटर देन एल डी, उसका जो लेंथ है एल डी का जो फॉर्मूला है आईएस कोड 456/2000 में दिया है, क्लॉज नंबर है 26.2.1 पेज नंबर 42 में, एल डी इज ऑलवेज लेस देन एम डिवाइडेड बाय वी प्लस एल जीरो रहना चाहिए, तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ का चेक है ओके है। तो जो मेन स्टील का जो एरिया है वो हमने निकल दिया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो स्टील है वो कैसे निकालते हैं, तो ए एस टी इज इक्वल टू 0.15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी इंटू डी, तो ये फॉर्मूला ए पी, जब हम ए पी 250 का जो ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे तो हम जो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और 415 और 500 ग्रेड के लिए 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी डी ये फॉर्मूला यूज़ करते, तो ए एस टी कितना आया डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 150 mm² आया, तो पेसिंग कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय ए एस टी, तो एरिया ऑफ 1 बार क्या है पाई बाय 4 × 8² डिवाइडेड बाय ए एस टी कितना है 150, तो उसका पेसिंग क्या है तो 335.10, तो बट एज पर आई एस कोड इट शुड नॉट मोर देन 5D और 450, तो 5D क्या है 5 × डेप्थ ऑफ द स्लैब, 5 × 0.125 और 450 mm, तो हमारा जो पेसिंग आया 335.10 आया, तो पेसिंग ओके है, तो टेक 300 mm ऑफ पेसिंग। तो चलो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, ये वीडियो अच्छा लगा तो टेक्निकल कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, थैंक यू दोस्तों।